नमस्कार। आज के हमारे लेक्चर में मिसलेनियस वीव स्ट्रक्चर सेकंड। पिछले लेक्चर में हमने क्रैब वीव पढ़ा था। आज के इस लेक्चर में हम आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे मिसलेनियस वीव स्ट्रक्चर का दूसरा वीव, हनीकॉम्ब वीव। हनीकॉम्ब वीव यानी हनीकॉम्ब, शहद के छत्ते जैसी बुनाई। इसमें हेक्सागोनल सेल्स बनती हैं, मोम की सेल्स, जो इनकी आंशिक समानता हम जो इस वीव से होती है, जिसमें मधुमक्खियां अपना शहद जमा करती हैं। यानी जो मधुमक्खी का छत्ता होता है उसमें जो हेक्सागोनल डिजाइंस बनती हैं, जो शेप्स बनती हैं, उससे मिलती जुलती हमारी ये डिजाइन होती है। इसलिए इसका नाम जो है हनीकॉम्ब वीव पड़ा है। ये बुनाई जो है लकीरें और खोखले आकार के कारण बनती है, जो एक सेल्स की तरह बनी होती है। इस स्ट्रक्चर में दोनों तरह के धागे यानी वार्प और वेफ्ट के धागों के जो फ्लोट्स होते हैं वो एक जैसे बनते हैं और दोनों तरफ एक जैसे दिखाई देते हैं। इसलिए इस कपड़े को रिवर्सिबल फैब्रिक या रिवर्सिबल वीव भी कह सकते हैं। और इसमें लंबे फ्लोट्स जो बनते हैं या फ्लोट्स जो है इसको अवशोषक क्षमता इसकी बढ़ा देते हैं। ये हनीकॉम्ब बुनाइयाँ दो प्रकार की होती हैं, एक ऑर्डनरी हनीकॉम्ब और दूसरा है ब्राइटन हनीकॉम्ब। हनीकॉम्ब वीव की निम्नलिखित विशेषताएं होती हैं। इसमें लकीरें और खोखले यानी रिजेस एंड होलोज जैसी दिखाई देने वाली सेल्स का निर्माण होता है। सिंगल लाइन क्रॉसिंग विकर्ण लाइन यानी सिंगल लाइन डायगोनल या डबल लाइन डायगोनल्स बनते हैं। इसमें अधिक ताने और बाने के फ्लोट्स होते हैं। नंबर ऑफ फ्लोट्स, वार्प और वेफ्ट ज़्यादा होते हैं। फ्लोट्स के कारण ये नमी शोषक बन जाता है। इसमें नुकीले ड्राफ्ट पर इसको तैयार किया जाता है और दोनों किनारों पर या दोनों साइड्स में एक समान प्रभाव होने के कारण ये रिवर्सिबल कपड़े होते हैं। फिगर ए से एफ तक ऑर्डिनरी हनीकॉम्ब वीव को बनाने का तरीका बताया गया है, जिसमें फिगर ए डिजाइन सिंगल विकर्ण लाइन का निर्माण पहला चरण में दिखाया गया है। फिगर बी, सी और डी डिजाइन में ड्राफ्ट, एग प्लान और हनीकॉम्ब वीव को दिखाया गया है। ऑर्डिनरी हनीकॉम्ब वीव एक समान वार्प और वेफ्ट यानी कि वीव इक्वल साइज पर ही बनाई जाती है। यहाँ एक नुकेले ड्राफ्ट का उपयोग किया जाता है, यानी कि एक पॉइंटेड ड्राफ्ट को हम यूज करते हैं। सबसे पहले एक पॉइंटेड ड्राफ्ट बनाया जाता है, उसके बाद उसका पैक प्लान उसी तरीके से बनाया जाता है और उस पैक प्लान में एक हाफ डायमंड मार्क किया जाता है और फिर उन दोनों की हेल्प से फाइनल फिगर वी फाइनल फिगर एफ में जो दिखाया गया है डायमंड वैसी आकृति बनाकर अंतिम डिजाइन प्राप्त किया जाता है। देखिए, यहाँ सबसे पहले फिगर ए में हमने दो डायगोनल्स लिए हैं एक दूसरे को क्रॉस करते हुए। उसके बाद इस डायगोनल के हिसाब से हमने पहले पॉइंटेड ड्राफ्ट लिया है। इस पॉइंटेड ड्राफ्ट के साथ हमने ये पैक प्लान लिया है साइड में और यहाँ फिगर को देखिए, इन दोनों ड्राफ्ट और पैक प्लान की हेल्प से हमने ये कंप्लीट वी बनाया है, जिसे हम देखते हैं कि जो हमारे क्रॉस डायगोनल थे दोनों, उन क्रॉस डायगोनल्स के बीच में हमने एक कंप्लीट डायमंड बनाया है, जिसमें क्रॉस वाला जो डायमंड है वो हमें वार्प के फ्लोट्स दिखाई देते हैं और जहाँ ब्लैंक है वहाँ पर वेफ्ट के फ्लोट्स हमें दिखाई देते हैं और ये समान आकृति बनती है डायमंड की। इस तरह ये हमारा ऑर्डिनरी हनीकॉम्ब बन जाता है। यहाँ स्टेप वाइज हमने दिखाया है, पहले स्टेप में हमने पहला डायगोनल बनाया, दूसरे स्टेप में हमने इस तरह क्रॉस करते हुए दूसरा डायगोनल बनाया, ग्रीन कलर से हमने इसमें दिखाया है, और तीसरे स्टेप में देखिए हमने डायमंड का एक हाफ हमने यहाँ बनाया है
और एक दूसरा हाफ हमने यहाँ बनाया है। ये दोनों हमने अलग अलग तरह से एक उदाहरण हमने लिए हैं, इस तरह हम आसानी से जो है हनीकॉम व्यू बना सकते हैं। हनीकॉम व्यू का दूसरा प्रकार है ब्राइटन हनीकॉम व्यू। ब्राइटन हनीकॉम व्यू के निर्माण में एक डायमंड का बेस इसमें बनाया जाता है, जो एक विकर्ण के सम्मिलन के द्वारा बनाया जाता है, यानी कि इसमें एक डायगोनल के ऊपर क्रॉस, हम डबल डायगोनल क्रॉस लाइन बनाते हैं और उसके ऊपर फिर डायमंड्स का निर्माण किया जाता है। डायमंड के मोटिफ को विकर्ण लाइनों के ऊपर बनाया जाता है और इसमें ये ध्यान देने वाली बात है कि जो फ्लोट साइज होगी, डायमंड के जो फ्लोट बनेंगे या जो मोटिफ का फ्लोट बनेगा, वो n by 2 minus 1 यानी जो हमारी वीव की साइज है उसके आधे से एक कम तक हम इसमें फ्लोट बना सकते हैं। n यहाँ पर जो दिया गया है वो वीव साइज दिया गया है, तो आगे जो हम वीव बना रहे हैं फिगर बी और फिगर सी में, फिगर बी में 16 धागों पर और फिगर सी में 20 धागों पर हम ब्राइटन हनीकॉम बनाते हैं। देखिए यहाँ हमने 16 थ्रेड्स पर एक ब्राइटन हनीकॉम बनाया है जिसको हमने दो स्टेप्स में दिखाया है। पहले स्टेप में ऊपर एक हम डायगोनल बनाते हैं सबसे पहले, जो कि लोअर लेफ्ट एंड से अपर राइट एंड तक जाता है, और दूसरा फिर हम इस डायगोनल को क्रॉस करते हुए राइट लोअर एंड से अपर लेफ्ट एंड तक हम क्रॉसेस बनाते हैं, दो डायगोनल बनाते हैं। इन डायगोनल्स के बीच में हम फ्लोट की साइज निकालते हैं। फ्लोट की साइज जो है n बाई 2 माइनस 1 होती है, यानी 16 एंड्स के ऊपर अगर हम फ्लोट की साइज निकालेंगे तो 16 बाई 2 माइनस 1 यानी 8 माइनस 1 इज इक्वल टू 7, यानी 7 का जो फ्लोट है वो मैक्सिमम फ्लोट हमारा इसमें बनेगा, और उस फ्लोट के अकॉर्डिंग हमने इसमें अपने डायमंड को बनाया है। ये देखिए ऊपर पहले हमने 7 एंड का ले लिया सेंटर फ्लोट और उसके बाद दोनों तरफ हमने डायमंड भी फिल कर दिया है। इसी तरह हमने अब इसमें देखिए ऊपर और नीचे दो हाफ चार डायमंड हमें दिखाई देते हैं और लेफ्ट और राइट के ब्लॉक में दो फुल डायमंड हमें दिखाई दे रहे हैं। इस तरह ये हमारा ब्राइटन हनीकॉम कंप्लीट हो गया। दूसरा एग्जाम्पल हमने यहाँ लिया है 20 थ्रेड के ऊपर, मेथड वही यहाँ पर यूज किया हमने कि पहला बाएं से दाएं ऊपर की तरफ चलता हुआ एक डायगोनल बनाया, फिर उसको क्रॉस करने के लिए दाएं से बाएं चलते हुए ऊपर की तरफ चलते हुए दो डायगोनल बनाए, और फिर वही n अपॉन 2 माइनस 1 के फॉर्मूले से हमने इसका फ्लोट निकाला 20 एंड पे, तो 9 का मैक्सिमम फ्लोट यहाँ पर बनता है और उस फ्लोट के अकॉर्डिंग हमने इसमें डायमंड फिल कर दिया है। और इस तरह ये जो है देखिए चार हाफ डायमंड और दो फुल डायमंड, वार फ्लोट और वेफ्ट फ्लोट दोनों के हमें दिखाई देते हैं। इस तरह ये ब्राइटन हनीकॉम बनाया जा सकता है। एंड यूजेस, हनीकॉम कपड़ों के जो उपयोग हैं वो अलग अलग तरह से किए जा सकते हैं। इसमें क्योंकि फ्लोटिंग वार्प और वेफ्ट होते हैं, दोनों तरफ का ढांचा एक जैसा दिखाई देता है, स्ट्रक्चर एक जैसा दिखाई देता है, और इन लंबे फ्लोट्स के कारण ये नमी को अवशोषण अधिक करता है, यानी कि ज़्यादा एब्जॉर्बेंसी होती है इसकी। इसके कारण इसको तौलिए, बेड कवर और रजाई के लिए उपयुक्त माना गया है। आज के इस लेक्चर में आप समझ पाए होंगे कि कैसे हनीकॉम, उसके कितने प्रकार हैं, उसके क्या उपयोग हैं और उसको कैसे बनाया जाता है, दोनों टाइप्स को हम कैसे बना सकते हैं, उसके बनाने के तरीके को आपने बहुत अच्छे से समझा होगा। आगे के कुछ मिसलेनियस व्यूज हैं उनको आगे के हम लेक्चर्स में पढ़ेंगे। थैंक यू।